फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसे आप सब जानते ही हैं, दिवाली की तैयारियाँ जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। घर में भी तैयारी चल रही है, ऑफिस में भी तैयारी चल रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने ऑफिस को चमकाऊँ चमकाऊँ इन द सेंस कि कुछ अच्छा करना है। ऑफिस भी डेकोरेट होना चाहिए, लगना चाहिए दिवाली है। तो गाइज, मैं सोच रही हूँ क्यों ना कुछ डेकोरेट किया जाए ऑफिस को। तो ज़्यादा कुछ मैं देखती हूँ कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। फिलहाल तो मैंने ना कुछ पैम्पलेट्स निकाले हैं हैप्पी दिवाली वाले, जिनको मैं कलर वगैरह करूँगी और उसके बाद हम उसे वॉल पे लगाएंगे। लगना चाहिए ना, दिवाली आ रही है, मेरा तो फेवरेट फेस्टिवल है। मैं आपको दिखाती हूँ, है ना, मैंने क्या क्या पैम्पलेट्स निकाले हैं। एक तो मैंने ये वाला निकाला है ना, अच्छा है ना। और मैंने एक ये वाला भी निकाला है, हैप्पी दिवाली वाला, अच्छा लग रहा था मुझे, दिखाऊँगी मैं अभी आपको। और एक आधे और है, तो मैं इन सबको कलर करूँगी। ठीक है, तो देखते रहिए व्लॉग में। तो गाइस, फिलहाल मैं करने जा रही हूँ अपनी ड्राइंग्स पे कलरिंग, जो मैंने टेम्पलेट्स निकाले थे उन पे। अभी मेरा लंच करने का मन नहीं कर रहा, तो मैं यही कर लेती हूँ, है ना। इसको करेंगे हम थोड़ा सा, उसके बाद ना इस पर कलर करेंगे। मुझे बहुत शौक है ये डेकोरेटिंग वगैरह ये सब करने का। आई होप आप भी करते ही होंगे, लड़कियों को होता ही है, पता है ऐसे शौक, डेकोरेशन करना, घर सजाना। अभी तो घर पे भी काम चल ही रहा है, आपने देखा ही होगा ना मेरे ब्लॉग में कि हम घर पे भी ना वो करवा रहे हैं वाइट वॉश वगैरह। तो मेरा ग्लिटर पेन ही चल रहा, इसको भी अभी रुकना था। गाइज, मैं आपको ना एक गाना सुनाती हूँ, मुझे ना पुराने गाने बहुत पसंद हैं। तो एक गाना हो जाए, तो वो गाना है चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। कितनी गंदी आवाज़ है ना मेरी ना रस्में है ना कसमें है, ना शिकवें है ना वादे हैं, एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे साधे हैं, दो नैना सीधे साधे हैं, ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। मजे आ गई, मैंने गाना गाया। आज मेरे पास कुछ काम नहीं है ना, तो मैं यही सब काम कर रही हूँ, गाने गा रही हूँ और ये कलर कर रही हूँ, यही कर रही हूँ। दिखाती हूँ मैं आपको मैंने कैसे किया, अभी मतलब थोड़ा सा ही किया। देखो फ्रेंड्स, अभी मैंने इसको ऐसे किया है ना, जब मैं इसे पूरा कलर कर लूँगी ना फिर आपको दिखाऊँगी। सो गाइज, ऑफिस में भी बहुत सारा काम था, तो बच चुके थे शाम के 5:30 काम करते करते। तो मैंने सोचा घर जाने से पहले क्यों ना एक कप कॉफ़ी हो जाए, तो मैं कॉफ़ी पीने लग गई। जो बाकी का मेरा सामान था वो मैं समेटने लग गई, और ये कुछ पेंस वगैरह स्केच वगैरह ये सब मैंने निकाल के रखे थे, बट मैं इनका यूज़ नहीं कर पाई काम की वजह से, तो मुझे हेडेक भी होने लग गया था। तो फिर मैंने कॉफ़ी पी, तो फिर इसके बाद मैं घर चली गई। फिर अब हमने नेक्स्ट डे अपना कंटिन्यू किया काम। वेलकम बैक गाइज, आज है सेकेंड डे और आज भी मेरी पेंटिंग पूरी नहीं हुई। तो आज मैंने सोचा है मैं पेंटिंग पूरी करती हूँ। मैं आपको पहले किसी से मिलवाती हूँ, इनसे मिलिए, ये हमारे फ्यूचर बॉस, से हाय। आपने इन्हें देखा होगा मेरे दिवाली वाले ब्लॉग में ना, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, बड़ी एक्साइटेड हो रखी हूँ ना मैं दिवाली के लिए, इसलिए मैंने गलत बोल दिया। हाँ, रक्षाबंधन वाले ब्लॉग में देखा होगा। तो कुछ नहीं कर रहे हम ना, अभी हमारे पास कुछ काम नहीं है, अभी तो दिन शुरू हुआ है, तो हम बैठ के ना यहाँ पर बस ऐसे ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो हमें नहीं पता हमारी आगे की प्लानिंग क्या है, निशु बताएंगे क्या प्लानिंग है आगे की, उसे पूछते हैं। बताइए सर, मेरी तो प्लानिंग घर जाके सोने की है, कुछ काम है नहीं आज का।
आज का कोई काम नहीं है तो हम सोना चाह रहे सो लो। और यहाँ से हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं सबको कि कौन क्या कर रहा है सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सही बात है, हम ही वेले बैठे हैं। कितनी फ्री हूँ ना मैं, लोग ऑफिस जाके काम करते हैं और मैं ऑफिस आके व्लॉगिंग कर रही हूँ। ऐसा नसीब भी किसी किसी को मिलता है और कभी कभी मिल जाता है जैसे मुझे मिला। तो अभी हम करेंगे पेंटिंग। छोटी बहन है जया ऑफिस में है, इसके लिए हम गिफ्ट लेके आए। ये देखिए इतने सारे। देखो गाइस अभी मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। और ये गिफ्ट्स क्यों आ रहे हैं बताओ बताओ? क्योंकि हमारे जो स्टाफ है उन सब साथ में एक मेनू चेक किए पानी का, ठीक है। और ये हमारी बहन को थोड़ा सब्सक्राइब करो यार, और देखा करो, लाइक किया करो। इतनी मेहनत करती है बेचारी बच्ची। ठीक है आप जरूर करना, बहन ने भी बोल दिया। तो चलो मैं आपको पहले गिफ्ट्स दिखाती हूं, हम इन्हें सेट भी करते हैं। ये जया का गिफ्ट है, ये जया को मिलेगा कुकीज, मिलेगा एक ये भी मिलेगा केक, एक ये भी मिलेगा, और ये फ्रूटीज भी मिलेंगी, और ये भी मिलेगा, ये खाना खा के हाथ में पूछ लेना इससे। और एक ये भी मिलेगा दोस्तों, सेलो ये मयूर जी के लिए, ये तो लेके आया है और ले जाएगा क्योंकि मुझे पानी की कमी है। और एक पर्स भी मिलेगा, ये तो मेरा ही है, कोई नहीं। और इसमें जूस की बोतलें हैं, वो भी मेरे लिए, सब मेरे लिए। रेस्टोरेंट पहले लेके जाए क्योंकि इतना सारा भारी सामान उठा के कैसे लेके जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा सामान जया के लिए है। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। घर आके इनसे ये सामान टेस्ट कर सकते हो आके, बिल्कुल। तो गाइस आज फाइनली अब ना ये सारी मेरी कलरिंग हो चुकी है पूरी, इनको मैं वॉल पे लगाऊंगी। तो यही है हमारी ऑफिस की प्रिपरेशन। कैसा लगा आपको? मुझे तो ये वाला बहुत पसंद आया, आई होप आपको भी ये पसंद आ रहा होगा। तो गाइस हमारी आज की एक्टिविटी आपने देखी ली होगी। तो अब हो चुके हैं 7:30 हो गए, मैं जा रही हूँ घर। इस व्लॉग का एंड यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कॉमेंट्स करें। तब तक के लिए बाय बाय।